hello, everyone. this is Gautari and today i'm going to discuss with you one of the most important questions that everybody is asking right now to a lot of people, with friends, with faculties, and with uh, other people. so i have been receiving a lot of queries uh, on whatsapp, on facebook, on email ids. and the most important question where the people are confused, where the students are confused, is whether, sh whether i should shift to new course. So, नया सिलाबस के से तो उन्होंने कर दिया, 1st 2017. और उसका जो पहला होने वाला है वो है मई 2018। अब क्वेश्चन ये उठता है डाउट आ रहा है कि क्या मैंने नए कोर्स में शिफ्ट करना चाहिए नाउ देर आर डिफरेंट क्वेश्चन बिकॉज एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है जो सबके लिए अप्लीकेबल होगा सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज क्योंकि हर कोई जिसको आप पूछोगे हर कोई अपने अपने एंगल से बताएगा उस चीज़ को दैट्स वाई देर इज अ लॉर्ड ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दिस एंड एवरी लाइक थर्ड फिफ्थ और सिक्स मैसेज दैट आई एम गेटिंग उसमें हर जगह पे ये सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है नया सिलेबस लूँ या ओल्ड सिलेबस लूँ अरे डोंट रिएक्ट प्लीज काम डाउन अर्थक्वेक नहीं आया है इट्स जस्ट नॉर्मल बेसिक डिसीजन दैट यू हैव टू टेक काम डाउन थिंक अपॉन इट रिसर्च करो and then go ahead with one thing. don't get stressed. I have seen lot of people in past few days. actually अलग से एक या स्ट्रेस बैठ, स्ट्रेस बैठे हुए हैं वो लोग उस चीज को please don't get that. so now let's discuss about किन किन लोगों ने ओल्ड कोर्स में ही रहना चाहिए और किन किन लोगों ने नए कोर्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए ओवरऑल आई एम गोइंग टू टेल यू नया कोर्स नया कोर्स जो आया नया सिलेबस जो आया वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये आपको नया सिलेबस आपके सी की वैल्यू जरूर बढ़ाएगा इंटरनेशनल लेवल पे बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन एडेड आर आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ओल्ड सिलेबस में वो चीजें मिसिंग थी सो यस गिवन एन अपॉर्चुनिटी यू शुड शिफ्ट टू द न्यू सिलेबस नाउ

नवंबर 2017 किसी का भी अटेम्प्ट हो सी आईपीसीसी या फाइनल आप लोगों को ओल्ड सिलेबस ही अप्लीकेबल है सो so, मेरे को इस पर भी क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे लोगों ने ठीक से पढ़ा ही नहीं सर मेरा नवंबर 17 अटेम्प्ट है सर मैंने आ, अभी ग्रुप टू का एग्जाम दे दिया ग्रुप वन का एग्जाम दे दिया मुझे पता है सर मैं फेल ही होने वाला हूँ तो मेरा नवंबर सेवनटीन अटेम्प्ट आएगा तो मैं मेरे को अपलीकेबल कौन सा कोर्स होगा सिलेबस होगा ओल्ड या न्यू

तो भी ओल्ड में ही दोगे एक ग्रुप पास होके दूसरा ग्रुप दोगे तो भी ओल्ड में ही दोगे नहीं तो पहला अटेम्प्ट भी है नवंबर सेवनटीन तो भी ओल्ड में दोगे सर क्या मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं न्यू सिलेबस सिलेक्ट कर सकता हूँ नवंबर सेवनटीन के लिए नहीं क्योंकि इंस्टीट्यूट को तो टाइम दो भाई आपके पास में पाँच छः महीने आप तैयार कर लोगे कैसे भी इंस्टीट्यूट को तो टाइम दो प्रिपेयर होने के लिए

कंफ्यूजन दूर हो गया नवंबर सेवनटीन बोले तो ओल्ड सिलेबस कोई भी अमेंडमेंट कुछ भी आपको अपलीकेबल नहीं है सॉरी अमेंडमेंट नहीं ये जो नए सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डिटेल है वो आपको अपलीकेबल नहीं है बेशक जीएसटी जो दस मार्क का आ रहा है बैंक जो दस मार्क का आ रहा है वो सब वो आपको अपलीकेबल है ओल्ड सिलेबस में भी ठीक है बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस नेक्स्ट इज मे टू सर मई 2018 से तो नया सिलेबस आ रहा है इंस्टीट्यूट पहली एग्ज़ाम जो लेगी नए सिलेबस के हिसाब से वो मई 2018 के हिसाब से होगी अब बताओ क्या मैंने नया सिलेबस में शिफ्ट हो जाना चाहिए आज मेरे पास टाइम है सर नया सिलेबस में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा एक बार मैं शिफ्ट हो गया तो फिर मैं ओल्ड में नहीं आ सकता थर्टी जून तक आप ओल्ड में ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर करा सकते हो उसके बाद चाहो तो आप आई थिंक वॉल्ट्रीली कन्वर्ट भी करा पाओगे नए में लेकिन नए से ओल्ड में नहीं आते अपन ठीक है, नहीं है तो 18, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मेरा केस में, में 18 आता है, अब आप मेरे को जेन्यनली बताओ ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू करूं उसमें एग्जाम दू या न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो जाऊं मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है आप ओल्ड सिलेबस में ही एग्जाम दो क्यों क्योंकि मे एटीन है आपका अगर अटेम्प्ट और अब अभी जो जून चल रहा है जून सेवनटीन चल रहा है तो ऑलमोस्ट आपके पास एक एक साल ही बाकी है एक साल भी पूरी तरह से बाकी नहीं है ग्यारह महीने बाकी है प्रिपेयर करने के लिए और आपकी आधे से ज़्यादा क्लासेस हो चुकी होगी आधी क्लासेस भी हो चुकी होगी आधी बुक्स या सब्जेक्ट्स तैयार भी हो चुके होंगे और अब आप बाकी की क्लासेस करोगे और अटेम्प्ट दोगे सो so, मोस्टली देर आर चांसेस कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी अगर आपने अभी नए कोर्स में शिफ्ट किया मे एटीन अटेम्प्ट के लिए नो मे एटीन के लिए नया सिलेबस मत ऑप्ट करो पहली चीज स्टिक टू ओल्ड सिलेबस ओनली अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट टू यू क्यू सर आप शिफ्ट कर लोगे आपको बहुत इजी है सर मैं कर लूँगा आपको ऐसा लगेगा कि भाई नया शिफ्ट नया सिलेबस में शिफ्ट कर लेता हूँ मैं एटीन में मैं नया दूंगा क्योंकि नया अच्छा है सर अरे लेकिन फैकल्टीज रेडी होनी चाहिए मार्केट में बुक्स आ जानी चाहिए पढ़ोगे कहाँ से इंस्टीट्यूट के मटीरियल्स अगर आप फुल्ली प्रिपेयर कर सकते हो सेल्फ स्टडी है आपका गो विद दैट नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है बट नाइनटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द क्लासेस और बुक्स बुक्स तो एटलीस्ट खरीदोगे मार्केट में जाके बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए जब इंस्टीट्यूट सिलेबस डिटेल कोर्स अनाउंस करेगा मतलब अभी तो सिर्फ सिलेबस अनाउंस किया बुक्स जब बाहर आएगी तब फैकल्टीज uh, टीचर्स उसको एनालाइज करके बुक्स बनाएंगे क्लासेस अनाउंस करेंगे कहीं ना कहीं जाके सितंबर तक वो क्लासेस शुरू होएगी बुक्स मार्केट में आएगी सितंबर अक्टूबर जो भी डेट लगे और उसके बाद कब आपको मिलेगी कब आप पढ़ना शुरू करोगे और कब कंप्लीट करोगे सो यस ओल्ड सिलेबस फॉर बोथ द ग्रुप्स मे 2018 बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अटेम्पिंग फॉर ओनली सिंगल ग्रुप यू कैन गो विथ न्यू सिलेबस वन ग्रुप बौद्ध ग्रुप देना है भाई यहाँ आड़े रहो ओल्ड सिलेबस में फिर मत जाना कहीं और अगर आप एक ही ग्रुप देने वाले हो भली वो फर्स्ट हो या सेकंड हो स्टिक टू न्यू सिलेबस मतलब यू कैन शिफ्ट टू न्यू सिलेबस अगर एक ही ग्रुप देना है मे एटीन में और दूसरा ग्रुप दोगे नवंबर एटीन में ठीक है बट पर्सनली आई रिकमेंड स्टिक टू ओल्ड सिलेबस क्योंकि काफ़ी पढ़ाई आपकी हो चुकी होगी तो सर मैं फर्स्ट ग्रुप देने वाला हूँ मेरी दो क्लासेस हो चुकी है दो बाकी है और मैं सिर्फ मे एटीन में फर्स्ट ही ग्रुप दूंगा क्लियर है तो सर क्या मैं शिफ्ट करा लूँ आपने तो बोला न्यू सिलेबस फर्स्ट ग्रुप नो वन ग्रुप नो डोंट गो विद दैट क्योंकि आपकी पढ़ाई हो चुकी है दो चीज़ें ध्यान रखो अगर नए सिलेबस में शिफ्ट होने से आपको पढ़ाई आपके एक तो क्लासेस हो चुकी है आधी और दूसरा टाइम वेस्ट होता है छः महीने का तो न्यू सिलेबस में शिफ्ट मत कराओ इट इज़ नॉट वर्थ कि आप छः महीने वेस्ट करो अपनी लाइफ के बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा सर नवंबर सेवनटीन मेरा अटैम्प्ट है मैं नए सिलेबस में शिफ्ट कराता हूँ तो मेरा मे एटीन आएगा तो मेरे को नवंबर सेवनटीन स्किप करना पड़ेगा अरे स्किप मत करो भाई छः महीने वेस्ट करना इज़ नॉट वर्थ सो so, इफ आपका टाइम वेस्ट होता है आपको वापस से वही सब्जेक्ट नए सिलेबस में पढ़ना पड़ता है आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली तो आप नए सिलेबस में शिफ्ट नहीं कराएंगे ओल्ड में रहिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की टाइम वेस्ट नहीं होता तो नए सिलेबस के हिसाब से देखो मतलब अगर शुरुआत करनी है तो ओल्ड की क्यों करें न्यू की करो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए छ महीने का दिस इज द फर्स्ट थिंग नाउ कमिंग ओवर टू द नवंबर एटीन नवंबर एटीन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप ओल्ड सिलेबस लो अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है लाइक कंप्लीटेड अप्रोक्स फिफ्टी परसेंट स्टडीज या क्लासेस जैसे लेक्चर्स वगैरह आपने अगर कंप्लीट कर लिए होंगे पचास परसेंट तो स्टेक ओल्डस डोंट चेंज इट विल भी डिफिकल्ट फॉर यू फॉर श्योर फिर से इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करो फिर से इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करो इट वी वर्थ स्टेक टू ओल्ड बट यस ऐसे लोग आई थिंक बहुत सारे कम होंगे अगर जिनका नवंबर अटेम्प्ट और उनकी पचास परसेंट तक पढ़ाई या सिलेबस हो चुकी है या क्लासेस हो चुकी है क्लासेस एक आधी चल रही है आपकी कोई भी या एक ही हो चुकी है दूसरी शुरू हुई है गो विद द न्यू सिलेबस आपकी टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे नए सिलेबस के लिए भी अगर आप ओल्ड कोर्स में भी अगर आप क्लासेस कर रहे हैं सर को बोलो सर मैं न्यू सिलेबस सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरे को न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो आप मेरे को बता दो इस वाली बैच में आ, आप कराओगे कवर न्यू सिलेबस या मैं अगली बैच में आ जाऊँ एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा ठीक है तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे मे नाइनटीन ऑनवर्ड्स कंपल्सरीली न्यू सिलेबस कंपल्सरीली न्यू सेलेबस तो क्योंकि यहाँ तक जिनका मे नाइनटीन अटैम्प्ट है वो उनके ज़्यादा चांसेस है कि उनके ना ही कोई क्लासेस हुई होगी और ना ही पढ़ाई शुरू हुई होगी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करते बच्चे अपने आखिरी तक तो मानते ही नहीं है तो एक आदाद क्लास शुरू हुई होगी जैसे अकाउंट शुरू हुआ होगा या तो एस या तो कॉस्टिंग ये मेन तीन सब्जेक्ट है जो पहले लगाते हैं बच्चे तो अगर ये शुरू हुआ होगा तो प्लीज़ कन्वर्ट योर शिफ्ट योर टू द न्यू सेलेबस रिक्वेस्ट योर टीचर्स टू अरेंज द वीडियो लेक्चर्स और फेस टू फेस क्लासेज अकॉर्डिंग टू द न्यू द बेसिक कोई भी जरूरत नहीं है न्यू सिलाबस में आधी पढ़ाई हो चुकी है चार क्लासेस हो चुकी है ओल्ड सिलाबस बोले तो ओल्ड सिलाबस अभी पढ़ाई शुरू करने वाले हो टाइम वेस्ट नहीं होता बोले तो न्यू सिलाबस गो विद्यू सिला तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी होगी यहाँ पे कि मे आपका अटैम्प्ट देख लो कब आ रहा है उसके बाद आप डिसाइड कर लो इन सब के बाद में भी इन अटैम्प्ट में आपका कहीं अटैम्प्ट आता है और उसके बाद में भी आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ कुछ क्वेरीज़ आपकी सॉल्व नहीं की आपके माइंड में आपकी पर्सनल क्वेरीज कुछ होती तो प्लीज़ कमेंट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सनल क्वेरी का आंसर मिले बट मेक श्योर कि रिपीटेड ना हो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ और बार बार वही चीज़ आप पूछ रहे हो चलो ठीक है यस न्यू सिलेबस आपका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट योर ओन सब्जेक्ट ओन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पेपर नंबर सिक्स ग्रुप टू सी ए फाइनल सी ए फाइनल ग्रुप टू पेपर नंबर सिक्स इसका हट गया है वहां से ठीक है आई विल नॉट कमेंट एनी थिंग कि वो अच्छा था या बुरा था अगर आप एज अ स्टूडेंट के हिसाब से मैं बोलूँ तो कुछ स्टूडेंट को शायद इसका अच्छा लगता हो कुछ स्टूडेंट को शायद इसका बुरा लगता हो तो जिनके लिए बुरा है आ, उनके लिए अच्छी खबर है जिनके लिए अच्छा है वो लोग न्यूट्रल है उनको ना अच्छा ना बुरा बट यस देर इज़ वन बेटर थिंग दैट हैु थिंग दैट इज हैपन इज़ आपको इसका के जगह पे छः इलेक्टिव पेपर दे गए दे दिए गए नाउ यू डोंट हैव टू स्टडी

सॉरी मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपको एक गाइडेंस आएगा सॉरी गाइडेंस मिलेगा वो चीज़ को लेके एक अपना पर्सनल ओपिनियन आप बना पाओगे दैट विल बी अ जेन्यून ओपिनियन फ्रॉम माय साइड आल्सो सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग टू ओनली वन थिंग दैट वेदर यू शुड शिफ्ट टू ओल्ड सिलेबस और नॉट क्लियरली आई एम टेलिंग यू ये जो मैंने चीज़ें बताया वो मैंने आपका टाइम कंसिडर करते हुए आपके कॉस्ट uh, कंसिडर करते हुए Major, major, जो मैंने कंसिडर किया दैट इज योर टाइम टाइम वेस्ट करना इज नॉट वर्थ अगर मेरे छः महीने वेस्ट होते हैं तो मैं नए सिलेबस पे नहीं जाता सो डोंट जस्ट एंडिंग द अपॉर्चुनिटी मेक श्योर दैर शिफ्टिंग टू द न्यू सिलाबस देर इज नो अदर इन सब इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसे बहुत सारे मेजर पॉइंट नहीं निकलेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि ओल्ड सिलेबस ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं आपको बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए ओल्ड सिलेबस क्योंकि अगर आप ओल्ड सिलेबस कंटिन्यू करते हैं मान लो इन सब के कॉन्ट्राडिक्टर मतलब इन सब के अगेंस्ट जाके आप ओल्ड सिलेबस सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपने मैंने सजेस्ट किया कि न्यू सिलेबस उसमें होगा क्या जब आप पास होंगे तब आपके पास में ओल्ड सिलेबस वाला ही नॉलेज होगा देर आर लॉट ऑफ पीपल वॉट दे आर डूइंग इज ओल्ड सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में वो डिप्लोमा करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्योंकि उनको आगे काम होता है अरे अब न्यू सिलेबस में इंटरनेशनल टैक्सेशन आ चुका है उसी में पढ़ लो उतना ही पढ़ लो अलग से टाइम क्यों देना आपको अटेम्प्ट के बाद में सो स्टिक टू न्यू सिलाबस इन दैट केस यस वन मोर क्वेश्चन दैट इन द सर न्यू सिलेबस हार्ड है या ओल्ड सिलेबस हार्ड है मतलब ईजी क्या जाएगा ईजी क्या जाएगा एंड तब मेरे को ऐसा लगता है कि सर सर आपको पास होना है या लाइफ में कुछ करना है

ऊपर ही होगा क्योंकि उसका लेवल ऊपर है उसमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी पढ़ाई प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड रहेगी एटलीस्ट इंटरेस्ट बिल्ड होगा जितना नजदीक रहे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वो चीज पढ़ने में अब ये चीज दूर दूर तक रहे अगर मान लो कनेक्टेड नहीं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता आप मान लो अर्थ पे रहते हो और मैं आपको पूरी टाइम लाइफ टाइम तक मैं आपको मार्स के बारे में बताता हूँ वीनस के बारे में बताता हूँ आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा पता है क्योंकि आप मेरे पास जब आओगे तब मार्स वीनस जुपिटर ये सब पढ़ रहे हो और मेरे पास से बाहर जाने के बाद में आप पूरे अर्थ में घूम रहे हो वहाँ कुछ और ही दिख रहा है मैं कुछ और ही पढ़ा रहा हूँ आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो आपका इंटरेस्ट नहीं आता आपका कन्फ्यूजन हो जाता है अरे दिमाग है छोटू सा है एक ही चीज़ आती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है अगर मैं वही बताऊं तो आप रिलेट कर पाओगे और आपको इंटरेस्ट आना लग जाएगा सो so, ये आगे के दो तीन साल आपके बहुत ही अच्छे से जाएंगे पढ़ने में अगर आप न्यू सिलेबस लेते हैं एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स भी ज्यादा मिलेंगे आ रही बात आपके समझ में जैसे मैं आपको बताऊँ बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ सर आप एक काम करो न्यू सिलेबस सेलेक्ट मत करो आप ओल्ड सिलेबस में रहो और ओल्ड सिलेबस में मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ मैं आपको पढ़ाता हूँ ए फोर एप्पल बी फोर बैट ठीक है मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ डोंट गेट इट ऑन योर लाइक हार्ट फोर एप्पल बी फोर बैट और यही सब ए बी सी डी पढ़ाया मैंने नाइन्थेंथ तक जो सब्जेक्ट होते थे ना मैं वो आपको ओल्ड सिलेबस में पढ़ाता हूँ क्या और बोलता हूँ कि ईजिली आपको सी ए बना दूंगा क्या आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है ऐसे सी ए बन के कोई मतलब ही नहीं क्योंकि मैंने उसमें कुछ ढंका पढ़ा ही नहींबस इफ़ यू हैव दी अपॉर्चुनिटी सर हम ओल्ड सिलाबस वाले हैं मेरा नवम्बर सेवनटीन अटैम्प्ट है आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ओल्ड सिलेबस से सी ए बनने से कोई काम नहीं आएगा अरे ऐसा नहीं है भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरा है और ये अच्छा है मैंने तो कभी नहीं बोला ओल्ड सिलेबस बुरा है ऐसे इंजमामक मत लगाओ तो न्यू सिलाबस इज बेटर दिस इज गुड दिस इज़ बेटर अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी तो आप बेटर ही सिलेक्ट करोगे दस रुपये भी दू तो अच्छी बात है लेकिन बारह रुपए दू तो बुरी बात थोड़ी है तो मैं कौन सा चूज करने बोल रहा हूँ बारह रुपये चूज कर लो दस रुपये तो है ही है अच्छी उससे बेटर है सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट शिफ्टिंग टू न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस इज डिफिकल्ट और ईजी एंड अदर थिंग इलेक्टिव पेपर के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा सो मेक श्योर यू वॉच दैट बाय बाय